दैनिक काठल की आवाज प्रतापगढ़ ने प्लास्टिक मुक्त प्रतापगढ़ को लेकर एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत शहर सभापति कमलेश जोशी ने कुछ इस तरह प्रतापगढ़ शहरवासियों को संबोधित किया। सबसे पहले तो काठल की आवाज ने शहर के हित में, पर्यावरण के हित में जो एक कदम उठाया है कि प्लास्टिक, पॉलीथीन और डिस्पोजल पर हम सभी को विचार करना चाहिए, इसके उपयोग पर विचार करना चाहिए और इसके संपूर्ण प्रतिबंध के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होकर के प्रयास करने चाहिए। नगर परिषद द्वारा भी समय समय पर इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी हमने प्रयास किए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए लगातार जनता के साथ संवाद, जनता के साथ फॉलोअप आवश्यक है, क्योंकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और डिस्पोजल न केवल पर्यावरण के लिए घातक है बल्कि शहर में जितनी नालियां अवरुद्ध हो रही है इसी प्रकार के पदार्थों से हो रही है, नालियां जाम हो रही है इसी प्रकार के डिस्पोजल और प्लास्टिक की वजह से हो रही है, और जहां हम गोमाता में समस्त देवी देवताओं का निवास मानते हैं इसी प्लास्टिक को और डिस्पोजल को खाकर के हमारी गोमाता मौत की शिकार हो रही है। हम सारे पहलुओं पर विचार करके हमें हृदय से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मैं प्रतापगढ़ शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, प्रतापगढ़ की स्वच्छता, प्रतापगढ़ का पर्यावरण और गौ माता की सुरक्षा मेरा एक नैतिक दायित्व है और काठल की आवाज ने इस पुनित कार्य को अपने हाथ में लिया है। काठल की आवाज से आवाज मिला करके इसको क्रांति बना करके, इसको आंदोलन बना करके इसकी संपूर्ण सफलता की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ शहर के प्रत्येक नागरिक को लेनी चाहिए। मेरी यही अपील है, मेरा यही निवेदन है, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि प्रतापगढ़ का हित आप सबका हित मानते हुए इस पुनित कार्य में काठल की आवाज को सहयोग देवें। धन्यवाद।